जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 10:24 हुई है 21 जून। तो देखिए, अभी मार्केट, सबसे पहले तो मैं आपको ये गोल्ड सिल्वर का कहानी बता देता हूँ। देखिए, आज अभी एक नया ट्रेंड मैंने पकड़ा, क्योंकि मैं इस मार्केट को भी वॉच करता हूँ। तो देखिए, गोल्ड आज 470 का 468 का हाई बना के नीचे की तरफ जा रहा है। आज ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, कल से आज तक कुल करीब करीब $40 बढ़ चुका है गोल्ड, करीब करीब। तो इतना ज़्यादा बढ़ के सस्टेन नहीं करेगा, चाहे इराक का वार हो, कुछ भी हो। तो ये अपने आप में हिट दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ईज आउट हो रहा है। साथ में चांदी भी 590 हाई बना के अभी 445। तो आज ये गोल्ड शायद नीचे जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी मैं गोल्ड सिल्वर की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, इससे मार्केट की स्टडी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये भी कंटिन्यू वॉच करता हूँ। तो मार्केट आज मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे, आज फ्राइडे में क्या होता है, देखिए आज क्या हुआ, चलिए देखते हैं। फ्राइडे इज़ ए ऑलवेज डे ऑफ सरप्राइज। मैंने कई वीडियो में बोला कि फ्राइडे हमारी फ्राई करता है। तो जैसा मैं मंदी में था, तो मंदी तो आपको मिल गई आज। अगर कल आपने शॉर्ट भी किया होगा लास्ट में, किसी रिस्क टेकर ने, तो उसको अच्छा खासा पैसा मिल गया, क्योंकि बैंक निफ्टी 799 था कल, है ना, सॉरी कल का भी यही हाई था 799। आज भी 799 हाई बना के 575 मिल गया आपको, तो अच्छा खासा। लेकिन मुझे लग रहा है आज तेज तेज करेगा मार्केट अभी। और निफ्टी भी कल कुछ 860 वगैरह गया था, 860 फ्यूचर में, तो आज 792 में आपको मिल गया। यानी कि अगर कल मंदी भी गया, जो मेरा व्यू था फ्राइडे से मंदी, तो अभी तक तो मंदी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज चाल चेंज की है ऑपरेटर ने, और इसलिए मेरा फर्ज बनता कि मैं आपको टाइमली गाइड दे दूँ। तो आज मुझे लगता है कि अभी आप भले तेज़ी मत करो, लेकिन शॉर्ट आपको कब करना है मैं बताता हूँ। जब तक 870, जो मैंने लिखा 870 क्रॉस नहीं करता, 880 के आसपास आपको शॉर्ट करना है, 880 के आसपास ही शॉर्ट करना, नहीं तो नहीं करना। और जो रिस्क टेकर है वो यहाँ से तेज़ी भी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन अपना अपने हिसाब से स्टॉप लॉस डालिएगा। अगर लग गया तो मुझे गाली मत दीजिएगा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस ये हाई टूटेगा आज, ये 799 का हाई टूटेगा दिन के दौरान, और ये 842 का हाई भी टूटेगा। अभी चल रहा है 805 फ्यूचर में और 635 फ्यूचर में। मुझे लग रहा है ये हाई टूटेगा और ये हाई भी टूटेगा। और एक स्टॉक दे देता हूँ आपको आज के लिए खेलने के लिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री है फ्यूचर में, अभी चल रहा है 1288। तो ये मेरे हिसाब से आज बाई किया जा सकता है इंट्राडे के लिए बाई किया जा सकता है, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1276 का स्टॉप लॉस मान लीजिए आप इंट्राडे। और आज का टारगेट रहेगा 1322, ये रिलायंस इंडस्ट्री 1289 चल रहा है अभी, स्टॉप लॉस कितना 1276 या 1273 कर लीजिए, 1273, और टारगेट रहेगा आज का 1322 से प्लस, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने आपको अपडेट दे दिया, मेरा फर्ज पूरा किया, लेकिन आप तेज़ी मत करिए भले से, लेकिन मंदी तभी करिएगा जब 870 आएगा, क्योंकि ये कैंडल कुछ अलग ही सिग्नल दे रही है मुझे, और या फिर ऐसी बन जाए तो भी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन तेज़ी भले ही मत करिए, मंदी तभी करिएगा जब ऊपर जाए। और कल का शॉर्ट है तो एक बार काट लीजिए, कल का अगर शॉर्ट है 3:30 बजे के आसपास, अगर आपने शॉर्ट करके गए, जैसा मैंने अपने पुट काटे, वो भी आप भी काट लीजिए। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। पसंद आए तो लाइक करिएगा।